कुछ कहेंगे, युवाओं में काफ़ी ज़्यादा आक्रोश देखने को मिला। देखिए, झारखंड के अंदर में जो नियोजन नीति बनी है उसमें कई विसंगतियां हैं और जिसकी वजह से इसको निरस्त करने की दिशा में एक पहल हुई है। तो अभी लेकिन खास करके झारखंड की सरकार को इमीडिएट, यानी जो बेरोज़गार हैं झारखंड के अंदर में उनको 100% जो वैकेंसियाँ हैं, जो रिक्तियाँ हैं, उसको बहाली के लिए नियोजन नीति में जो भी विसंगति है उसको अविलंब दूर करके और ज़्यादा से ज़्यादा नौजवानों को बहाली के लिए उस दिशा में पहल किया जाना चाहिए। और ख़ास करके नियोजन नीति में जो त्रुटियाँ हुई है तो इसको लेकर के मुझे लगता है कि झारखंड की सरकार ने भी एक पहल की है कि अविलंब इस पर एक कमेटी बना करके उस पर उनकी तमाम विसंगतियों को ठीक करके फिर से नियोजन नीति को पारित कराने की बात चल रही है। पर हमको लगता है बहुत जल्द से जल्द राज्य में नौजवानों के बहाली की दिशा जो है बढ़ेगी। अभी जो खास करके अभी जो बड़ी बात है कि ये जो है आप देख रहे हैं NMGNM का जो आंदोलन चल रहा है, स्वास्थ्य सहिया संघ सड़कों पर हैं, ये तमाम ऐसे जिनकी नौकरियां चली गई हैं या वैसे युवा जो रोज़गार के लिए आंदोलन में हैं, सड़कों पर हैं, मुझे लगता है कि राज्य सरकार को अविलंब ये जो उसके मानदेय का जो सवाल है, उसके अस्थायीकरण का जो सवाल है, उसके लिए एक नीति बनाई जानी चाहिए। जो जॉब में हैं ऑलरेडी उसको 100% कैसे उसको समाहित कर दिया जाए, उसको सेवा स्थायी किया जाए, इस दिशा में सरकार को पहल करनी चाहिए ताकि राज्य के अंदर में पूरी तरह से जो स्वास्थ्य सेवा पूरा ठप पड़ गया है, स्वास्थ्य सेवा के लिए जो सबसे जो मजबूत रीढ़ हैं वो गांवों में जो काम करती हैं सहिया दीदी, वो लोग भी हड़ताल पर हैं। मुझे लगता है कि सबसे पहले एक निकृष्ट टाइप का जो नमूना है कि सरकार चैन के साथ बैठी हुई है और ये लोग सड़कों पर मरणासन हालत में हैं, ये तो कम से कम झारखंड जैसे प्रदेश के लिए काफ़ी शर्मनाक बात है। अविलंब राज्य सरकार यानी इनके लिए नीतियाँ बनाएँ और आकर के वार्ता करें और हड़ताल तोड़वाने की दिशा में पहल किया जाए ताकि राज्य की स्वास्थ्य सुविधा जो है वो बेहतर बन सके। अपने राज्य से जुड़ी हर ताज़ा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।